हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन पर एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपका जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग एग्ज़ाम आपका 13 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और आपका दोस्तों 21 नवंबर तक चलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर, जो कि हम फैक्ट के साथ बात करेंगे आपके साथ। और दोस्तों, ये वीडियो इंपॉर्टेंट काफ़ी होने वाली है उन लोगों के लिए जो दोस्तों 2019 का रिटर्न एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी दिसंबर में आपका रिटर्न एग्ज़ाम प्रस्तावित है। अब देखो, लास्ट दिसंबर में होता है या कब होता है। दोस्तों, जो इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए टाइपिंग जो टेस्ट होगा फ्यूचर में, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम दोस्तों वीडियो में चलेंगे और दोस्तों बात करेंगे आपसे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी आपका जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, एक हमारे फ्रेंड हैं, उनका हमारे पास एडमिट कार्ड है। दोस्तों, हम सिक्योरिटी रीजन के लिए कुछ यहाँ पर्सनल आइडेंटिटी को हाइड किया है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जो टाइपिंग टेस्ट है वो कम्बाइंड जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर क्लर्क, जो कि 2016 की वैकेंसी था, तो दोस्तों उसका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। अब दोस्तों, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इस प्रकार हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा पहला पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के माध्यम से हमने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस एडमिट कार्ड के अंतर्गत आपके कुल 19 पॉइंट हैं, लेकिन मैं 4 पॉइंट और 5 पॉइंट में लगभग ये वीडियो ख़त्म करूँगा। तो दोस्तों, आप एक इंस्ट्रक्शन ये भी देख लीजिएगा, जो आपका पहला है, हिंदी की टाइपिंग जो दक्षता परीक्षा होने वाली है वो मंगल फांट। तो मंगल फांट आप यहाँ पे दोस्तों देख पा रहेंगे, मंगल फांट के अंतर्गत आपका ट्रेडिशनल और देवनागरी, ये दो फांट हैं। और दोस्तों, साथ में आपका कुर्ती देव फांट है, कुर्ती देव फांट 10। दोस्तों, एक होता है कुर्ती देव फांट 16 भी होता है, उस पर भी लोग बहुत सारी तैयारी करते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस काफ़ी लोगों को होती है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पाएंगे, आपका जो टाइपिंग होने वाला है वो कुर्ती देव फॉन्ट 10 में होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका कुर्ती देव 16 पे नहीं होगा दोस्तों, 016 पे आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, कुर्ती देव 10 में होगा। तो और यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर सजेशन की बात करेंगे हम, तो अगर आप UPSL की वैकेंसी भी देखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी समय समय पे आपकी क्लर्क की वैकेंसी आती रहती है, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3rd की, तो दोस्तों अगर वो आपकी UPSL की वैकेंसी भी देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कुर्ती देव पर टाइपिंग सीखना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन यहाँ पे मंगल फांट की अगर बात करें, तो सबसे ईजी फांट मंगल फांट है, जिसमें आपका इंस्क्रिप्ट, ट्रेडिशनल, देवनागरी, ये सारे फांट आते हैं। तो दोस्तों, इस समय जो लेटेस्ट अपडेट है वो देवनागरी का है। तो जो भी कैंडिडेट नया है और वो टाइपिंग सीखना चाहता है जूनियर असिस्टेंट के केवल पर्पज़ से अगर सीखना चाहता है, तो देवनागरी उसके लिए सबसे बेस्ट फंड है। देवनागरी के अलावा और उसके लिए कोई अच्छा फंड नहीं है, क्योंकि ये लगभग लगभग लर्निंग आपकी 15 दिन में, और साथ में साथ आपकी जो 20 की और 25 की प्रैक्टिस है वो दोस्तों कम से कम 2 महीने के अंदर कवर हो जाएगी बहुत ही अच्छे से। 2 महीने तो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया। तो दोस्तों, ये सीखने का तरीका है, आप अगर अभी स्टार्ट नहीं किए हैं 2019 को देखते हुए, एग्ज़ाम को देखते हुए, तो दोस्तों आप यहाँ पे देवनागरी आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, और जो ट्रेडिशनल है वो भी आपके लिए भी सही है, बट देवनागरी सबसे बेस्ट है। और लेकिन आप UPSL की वैकेंसी को भी देखना चाहते हैं, तो आपको कुर्ती देव 16 या 10 पे सीखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका कुर्ती देव 10, यानी फांट आपका 10 ही मान होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बात करेंगे। हमारा अगला पॉइंट दोस्तों तीसरे नंबर का है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो टंकण परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर डेस्कटॉप की व्यवस्था केंद्र व्यवस्थापक द्वारा की गई है। दोस्तों, इसका कहने का मतलब यह है कि आपको पहले आपको टाइपराइटर ले जाना होता था, जो कि अब टाइपराइटर का काम ही नहीं है, और दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होगा वो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपको सीधा अपना एडमिट कार्ड और अपना ID और छोटी मोटी डिटेल, फ़ोटो वगैरह लेके जानी है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपको दोस्तों है, 5 नंबर पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 5 नंबर पर आपको बताया गया है, अभ्यर्थी को हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं की गति व दक्षता परीक्षण में परीक्षा देना और उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम गति प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा वह अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण माना जाएगा। कहने का मतलब, आपकी जो भी टाइपिंग की क्राइटेरिया रखा गया है, आपका नोटिस देखा होगा और आपको पता भी होगा कि आपका हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट और दोस्तों इंग्लिश टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट है। तो दोस्तों, ये दोनों क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट देना है। अगला दोस्तों पॉइंट आपका है, जो कि 7 नंबर का, आप यहाँ पे देख पाएंगे, अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह बैठने से पहले अपनी कीबोर्ड पर माउस परीक्षण सुनिश्चित कर लें। कहने का मतलब यह है कि आपका अपना कीबोर्ड, माउस और दोस्तों जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो आपको देख लेना है एक बार, और अगर आप में को लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको कक्ष निरीक्षक को सूचित करना दोस्तों, ठीक है ना। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका है,
8 नंबर का आप यहाँ पे देख पाएंगे, टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण हेतु विशेष रूप से बनाए गए सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों ये यूपीटर पॉलिसी के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है, उसी के आधार पर आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है ना। अगला आपका जो पॉइंट की बात करेंगे तो हम दोस्तों 12 नंबर पे बात करेंगे, आप यहाँ पे देख पाएंगे यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो आपका पहला पॉइंट था और ये दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट। दोस्तों 12 नंबर पे आपको ये बताया गया है कि परीक्षा के दौरान कंट्रोल की आपका प्रयोग नहीं करना, दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दोस्तों 13वां भी कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये टंकण परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा मैटर को रिफ्रेश या रीलोड किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा से तत्काल वंचित किया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा आप नहीं करिएगा, आप कंट्रोल का की का इस्तेमाल नहीं करिएगा, और दोस्तों आपको रिफ्रेश या रीलोड को नहीं करना है, पेज नहीं करना दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी आपके पॉइंट तो 19 हैं और ये सारी डिटेल आपको मैं बताया हूँ जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ लोग एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शन रीड करे बिना सेंटर पर पहुँच जाते हैं, तो दोस्तों उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन मैंने 2019 के कैंडिडेट को देख के ये वीडियो बनाई है, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फंड की, लोग फंड की समस्या अब शायद आपकी सॉल्व हो गई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फ्रेंडों के साथ, और दोस्तों चैनल को इसी तरह के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा। जी दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।